वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट डोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए तो आगे शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम इंस्टेंट डोसा किस तरीके से बनाएंगे। इंस्टेंट पोहे का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप पोहा लिया है। हमने जो एक कप पोहा लिया है, हम उसे फ्राई पैन में अच्छे से गर्म कर लेंगे। हम उसे ज्यादा देर नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा उसका कच्चापन निकालना है। जब ये थोड़ा थोड़ा श्रिंक होने लग जाए और थोड़ा कुरकुरा होने लग जाए तो हम गैस ऑफ कर लेंगे। क्वांटिटी मैंने पोहे की ली थी, सेम उतनी क्वांटिटी यानी कि एक कप सूजी मैंने ले ली है। हमारा फ्राई पैन गर्म है, हमें फ्लेम बिना ऑन किए इसको भी गर्म कर लेंगे। हमें इसका भी कलर चेंज नहीं करना। आप चाहे तो बिना उसको फ्राई पैन में डाल के गर्म करने के बजाय ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बस इससे कच्चापन निकल जाएगा। इसको स्मूथ पाउडर बनाएंगे हम लोग। मैं पीस ली, मैंने पोहे और सूजी को अच्छे से पीस लिया है। हम इसे रोस्ट करके इसलिए पीसेंगे क्योंकि उसके बाद ये मतलब अच्छे से पाउडर के फॉर्म में पिस जाएगा। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक है। तो जिस कप में मैंने दही ली थी उसी कप में मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। अब हम पानी को धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे। हमने जो इसमें आटा ऐड किया है गेहूं का, वो इसलिए किया है क्योंकि वो अच्छी बाइंडिंग देता है। और अगर आप लोग इस नाश्ता को सुबह बनाना चाहें तो आप लोग रात को ये पेस्ट तैयार करके रख सकते हैं ओवरनाइट, और सुबह सुबह आप 10 मिनट के अंदर डोसा इजीली बना सकते हैं। अब हमें इसे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है, ये थोड़ा थिक है अभी। हम इसे पतला करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा इसमें डाला है। पानी ऐड करेंगे तो फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं आने चाहिए। तो
कर लिया है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब हमारा डोसे का पेस्ट एकदम रेडी है। अब हम लोग इससे डोसा बनाएंगे। तो मैं बैटर को तवे पर अच्छे से फैलाऊंगी। तो हमारा इंस्टेंट पोहा रवा डोसा बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।